जय हिंद एंड वेलकम टू सरीन पाठशाला। आज के करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका स्वागत है। आप किसी भी वनडे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी वनडे एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट्स आते रहें। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और कि हमारा इंग्लिश स्पेशल का एक बिल्कुल फ्री बैच आ रहा है मुखर्जी नगर न्यू दिल्ली में, ऑफलाइन बैच है। इसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी रहेंगी जो आपको सरीन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर ही मिल जाएंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसकी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमारा फेसबुक या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च व्हाट अमाउंट ऑफ कॉइन्स टू कमेमोरेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की हाल ही में बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई 25 दिसंबर को। तो नरेंद्र मोदी ने, जो प्रधानमंत्री हैं इस देश के, उन्होंने कुछ सिक्के लॉन्च किए। तो हमें बताना है कि सिक्के की वैल्यू कितनी थी, कितने डिनोमिनेशन का वो कॉइन था। सो द ऑप्शन आर 50, 10, 100 और 200। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डेट इज 100। 100 सौ रुपये का एक कॉइन है जो उन्होंने लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट, उनके बर्थडे जिस दिन 25th of December है उसको गुड गवर्नेंस डे के नाम से भी मनाया जाता है, सुशासन दिवस। और 2014 से, जब से ये बीजेपी एनडीए की गवर्नमेंट आई है, तब से इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ कि उन्होंने एक ऑपरेशन शक्ति, जो 1998 में एक न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरान में, तो वो इन्हीं के टाइम पर हुआ। हालांकि 1974 में भी हुआ, उससे 24 साल पहले, जिसे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं, लेकिन वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि राइट टू एजुकेशन 2002 में एक अमेंडमेंट हुई, 86th अमेंडमेंट थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी 86वां संविधान संशोधन था। और जो राइट टू एजुकेशन है, यानी कि शिक्षा को एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट बना के आर्टिकल 21A के अंडर रख दिया गया। नेक्स्ट है, एक पार्लियामेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया 2002 में। 13th December 2001 में पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, तो उसके बाद एक पार्लियामेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया 2002 में, ये भी इन्हीं की सरकार के टाइम पे पास हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन इज, हु डिलीवर्ड एंडाउमेंट लेक्चर ऑन 31st IB सेंटेनरी, यानी कि IB के 100 साल होने के बाद जो लेक्चर्स हर साल दिए जा रहे हैं, तो 31st नंबर का वो लेक्चर था, तो उस पर किसने लेक्चर डिलीवर किया। ऑप्शंस हैं नितिन गडकरी, गंगाराम अहीर, राजीव जैन या अजीत दोवल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डेट इज नितिन गडकरी। इंपॉर्टेंट है कि IB एस्टेब्लिश हुआ 1887 में, 1987 में 100 साल पूरे हुए, और उसके बाद से हर साल एक लेक्चर डिलीवर किया जाता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि IB के लोग किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए वो क्या क्या चीज़ें करते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर लेक्चर डिलीवर किया जाता है। तो पहली बार हुआ 1887-88 में जो पहला हुआ, और अभी जो हुआ है वो 31st नंबर का है, तो नितिन गडकरी है जिन्होंने लेक्चर डिलीवर किया। इसके जो हेड हैं IB के इंटेलिजेंस ब्यूरो के, वो राजीव जैन हैं, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, IB वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड अजीत दोवल हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, विच स्टेट पास्ड एंटी मॉब वायलेंस बिल। मॉब होती है भड़की हुई भीड़, तो मॉब के अगेंस्ट, इन केस अगर मॉब की वजह से कोई भी दुर्घटना होती है, अगर कोई भी इंसान मरता है, तो उनके लिए एक बिल पास किया गया। तो हमें बताना है किस स्टेट ने पास किया। ऑप्शन है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डेट इज मणिपुर। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, यही ये बिल लेके आए थे, और पूरी असेंबली ने यूनानिमसली, यानी कि एक मत होकर इस बिल को पास किया है। गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। और मणिपुर के बारे में एक इंपॉर्टेंट पर्सन जो अभी न्यूज़ में रहे हैं, किशोर चंद्र खेमचा, ये एक जर्नलिस्ट हैं इम्फाल से। इन्हें 12 महीने के लिए जेल में डाला गया। कारण क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर इन्होंने कुछ ऐसे वीडियोस डाले अपने सोशल प्रोफाइल पे, सोशल मीडिया प्रोफाइल पे, जो गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को क्रिटिसाइज़ कर रहा था। तो ऐसा माना जाता था कि नेशनल सिक्योरिटी अंडर के इनके जो भाषण था, जो इनकी स्पीच थी, उसकी वजह से अनरेस्ट हो सकता है, यानी कि उपद्रव हो सकता है प्रदेश में, इसलिए उनको 12 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन इज, कैपिटल ऑफ बुरुंदी इज। बुरुंदी एक अफ्रीकन नेशन है, इसकी हाल ही में कैपिटल बदली गई है। हमें बताना है बुरुंदी की कैपिटल कौन सी है। ऑप्शंस हैं गिताग, बुजुम्बुरा, बोथियानन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गिताग। अब बुजुम्बुरा उसी की पुरानी कैपिटल थी बुरुंदी की, लेकिन अब गिताग है। बुजुम्बुरा अब सिर्फ इकोनॉमिक कैपिटल रह जाएगी, पॉलिटिकल कैपिटल गिताग है। इंडिया की बात करें तो इंडिया की पॉलिटिकल कैपिटल न्यू दिल्ली है, और इकोनॉमिक या फाइनेंशियल कैपिटल हमारी मुंबई है। करेंसी की बात करें बुरुंदी की, तो बुरुंदी की करेंसी है बुरुंदियन फ्रैंक। प्रेजिडेंट हैं पैर कुरुंजिया, ये इनके प्रेजिडेंट हैं, और बुरुंदी एक अफ्रीकन नेशन है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, हु इज़ अपॉइंटेड एज न्यू डिफेंस हेड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स के नए डिफेंस हेड अपॉइंट हुए हैं, बताना है इनमें से कौन है। ऑप्शन है माइक पोम्पियो,
जेम मेटिस या पैट्रिक शेनान, और ऑप्शन डी नन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डेट इज पैट्रिक शेनान। पैट्रिक शेनान ऑलरेडी डिप्यूटी डिफेंस हेड थे, इनसे पहले जो डिफेंस हेड थे वो जेम मेटिस थे। इन्होंने क्यों रिजाइन किया? क्योंकि सीरिया से यूएस ने अपने ट्रूप्स को वापस बुला लिया, यानी कि उनकी जो सेना थी वहाँ पर सीरिया में लगभग 2000 ट्रूप्स आर्मी थी जिन्हें वापस यूएस बुला लिया गया। तो ट्रंप के इस डिसीजन से नाखुश होकर जो जेम मेटिस ऑलरेडी सेक्रेटरी हेड थे, सेक्रेटरी थे डिफेंस सेक्रेटरी, उन्होंने रिज़ाइन किया अपनी पोस्ट से। उनकी जगह जो डिप्यूटी हैं पैट्रिक शेनान, वो अब डिफेंस के सेक्रेटरी रहेंगे, डिफेंस हेड रहेंगे यूएस के। अब इंपॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में कि जो 2+2 डायलॉग हुआ था इंडिया यूएस के बीच में, उसमें डिफेंस सेक्रेटरी और स्टेट सेक्रेटरी यानी कि माइक पोम्पियो और जेम मेटिस इन दोनों ने ही पार्टिसिपेट किया था उस 2+2 डायलॉग में। सीरिया की बात करें तो सीरिया की कैपिटल है डेमास्कस, करेंसी है सीरियन पौंड या सीरियन लीरा, प्रेजिडेंट है बशर अल असद। सिक्स्थ क्वेश्चन इज सारस फेयर स्टार्टेड इन, सारस एक मेला है, एक फेयर है, कहाँ पर स्टार्ट हुआ हमें यह बताना है। ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डेट इज आंध्र प्रदेश। सारस स्टैंड्स फॉर सेल्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ रूरल आर्टिशन सोसाइटी। अब इसमें है क्या कि देश भर से जितने भी लोग हैं अपने आर्ट एंड कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो भी वो उससे रिलेटेड वो चीज़ें उस फेयर में वो लोग प्रेजेंट करेंगे, लोग उसको देखेंगे, खरीदेंगे, प्रमोट करने के लिए लोकल आर्ट एंड कल्चर को ये ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को हमें पढ़ना है और हमें बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं या नहीं है। पहली स्टेटमेंट है थ्री आइलैंड्स ऑफ अंडेमान एंड निकोबार विल बी रीनेम्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड है रोज आइलैंड विल बी रीनेम्ड एज शाहदीप, इट विल बी डन ऑन 30th December बाय नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन है कि सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑप्शन बी इज फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ऑप्शन सी इज फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू, ऑप्शन डी इज फर्स्ट सेकंड थर्ड आर ट्रू, यानी कि सबसे ट्रू है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डेट इज फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू, यानी कि जो निकोबार आइलैंड्स के तीन आइलैंड्स हैं जिनको निकोबार आइलैंड का तीन आइलैंड्स हैं जिनका नाम बदला जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बिल्कुल सही है। और थर्ड स्टेटमेंट है कि वो 30 दिसंबर को किया जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट है जो रोज़ आइलैंड है उसका नाम शाहदीप नहीं, रोज़ आइलैंड का नाम रखा जा रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। बाकी जो दो आइलैंड्स हैं उसमें से एक नील आइलैंड है जिसका नाम शाहदीप है, और हैवलॉक आइलैंड है जिसका नाम स्वराज दीप आइलैंड रखा जा रहा है। और इसे 30th December को ही क्यों चेंज किया जा रहा है? क्योंकि 30th December को 75th एनिवर्सरी होती है किस चीज़ की? कि नेताजी इज़ विजिट टू आइलैंड्स, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस आइलैंड पे विजिट किए थे पोर्ट ब्लेयर में 30th December 1943 को, और उन्होंने भारत का जो तिरंगा है उसे होस्ट किया था, फहराया था पोर्ट ब्लेयर में, और आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की स्थापना की थी। तो उसको इंपॉर्टेंस देने के लिए ही स्टेट गवर्नमेंट ये कर रही है। एट्थ क्वेश्चन इज संजय गांधी उद्यान इज इन, उद्यान इज फॉर पार्क, कि ये संजय गांधी पार्क कहाँ पर है, कहाँ पर सिचुएटेड है, हमें ये बताना है। ऑप्शन है पटना, लखनऊ, गाजीपुर और गुरुग्राम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पटना। अभी न्यूज़ में क्यों है? उसका कारण ये है कि इस पार्क में, संजय गांधी उद्यान में, 6 पीकॉक्स यानी कि 6 मोर मर गए हैं। किस वजह से? बिकॉज ऑफ H5N1 वायरस। ठीक है, ध्यान रखना है H5N1 वायरस, और ये पटना में सिचुएटेड है जहाँ पर हुआ। अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछे गए थे कि रानीखेत क्या है, तो रानीखेत भी एक वायरल डिसीज़ है, उसकी वजह से भी लगभग 100 पीकॉक थे, 100 मोर थे जो मरे थे। तो हमें ध्यान रखना है कि H5N1 भी एक वायरस है, और इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल एक और है, रानीखेत भी एक वायरस है जो बर्ड्स को इफेक्ट करता है। नाइन्थ क्वेश्चन इज दिस ईयर इंडियन साइंस कांग्रेस इवेंट विल बी हेल्ड इन, यानी कि इस साल का जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का इवेंट है, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी से नहीं है, कांग्रेस का मतलब होता है इकट्ठ होना, लोगों का एक जगह इकट्ठे होना, डेट इज कांग्रेस। इवेंट विल बी हेल्ड इन, कहाँ पर होगा? ऑप्शन है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, और इज इट ऑप्शन डी मौलाना यूनिवर्सिटी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डेट इज द लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। पहले तो इसका एम क्या है, वट इज द एम फॉर कंडक्टिंग दिस कांग्रेस? एम इज टू ब्रिंग टुगेदर साइंस फ्रेटर्निटी अक्रॉस द वर्ल्ड जस्ट टू डिस्कस इनोवेशन एंड न्यू आइडियाज। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली जो एम है, इसका हर साल ये कंडक्ट होता है, ये इस साल जो कंडक्ट हो रहा है, दिस इज द 106th एडिशन ऑफ दिस कांग्रेस इवेंट। ठीक है, 105th एडिशन जो हुआ था वो मणिपुर यूनिवर्सिटी इम्फाल में हुआ था, फर्स्ट वाज डन इन कोलकाता इन 1914। कोलकाता में इसलिए क्योंकि कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है जो इसे ऑर्गेनाइज करती है, एंड इट इज ऑर्गेनाइज बाई इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ इसे ऑर्गेनाइज करता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब इस साल जो इसके जनरल प्रेसिडेंट हैं वो हैं डॉक्टर मनोज चक्रवर्ती, जो चीफ पैटर्न है वो हैं डॉक्टर अशोक मित्तल, और थीम फॉर दिस कांग्रेस इवेंट इज फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, तुर्कमेनिस्तान लॉन्च्ड विच मैसेजिंग ऐप? तुर्कमेनिस्तान ने हाल ही में एक ऐप लॉन्च की है, सेंट्रल एशिया की नेशन है, तो इसने कौन सी ऐप लॉन्च की है मैसेजिंग ऐप, उसका हमें आंसर देना है। ऑप्शन है बिस्बार्ड, रेनेड, स्विफ्ट या फ्लिको। ऑप्शन इज राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डेट इज बिस्बार्ड। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है अशकबाद, करेंसी इज मन्नत। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम के, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, और इंग्लिश के बैच के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।